है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुरजीत प्रसाद। मेरे एक न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और बहुत दिनों बाद मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं। और ये रहा मयंक, और ये है भाई, और मेरा धनु रानी पीछे है। हम लोग जा रहे घूमने के लिए बहुत दिनों बाद। लगभग गणेश पूजा खत्म होने को आया है, आज विसर्जन है हम लोग के यहाँ पे नेहटी में। और हम लोग जा रहे हैं एक साथ घूमने के लिए। सुबह सुबह निकले हैं, शाम के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, इसीलिए हम लोग जा नहीं पाए। वाइफ का भी तबीयत ख़राब था, ब्लॉग नहीं शूट कर पाए और ना हम घूमने गए थे। दो जो भगनी है मेरी, तो वो हम लोग को बोलने लगे, मामा चलिए घुमाने लेके चलिए। तो चलिए, तो आज हम लोग चलते हैं, भगनी लोग को थोड़ा घुमाने लेके चलते हैं। अरे हम भी चलेंगे। अब मैं भी जाएगा, भाई भी है, बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए, ये रही छोटी भगनी, और पीछे है मेरे बड़ी भगनी। चलिए चलते हैं। घर से राय बहादुर रोड होते हुए काकीनारा ओवरब्रिज पार करते हुए हम लोग सुबह सुबह गणेश पूजा देखने के लिए काकीनारा के लिए निकल चुके हैं। पहली बार हम लोग सुबह सुबह गणेश पूजा देखने के लिए शाम को छोड़ के सुबह निकले हैं। अच्छा, एक नई अनुभूति भी हो रही थी। जिस तरह शाम को भीड़ मिलती है, वो भीड़ दिखाई नहीं देगी। हम लोग का पहला पूजा कचहरी रोड, शानदार तरीके से पंडाल को बनाया गया है। आम आदमी आना जाना भी कर रहे हैं और पूजा दर्शन का मजा भी उठा रहे हैं। ढेर सारी हाथियों के बीच गणेश जी इस पंडाल में नजर आए, बहुत ही अच्छा लगा ऐसी एक गणेश मूर्ति देखकर। काकीनारा अंतर्गत कचहरी रोड में ही गणेश पूजा मंडप के साथ साथ राम मंदिर भी दिखाया गया है और अति सुंदर तरीके से इसे बनाया है। अब हम लोग काकीनारा मानिकपीर में आए हैं। यहाँ मेरे एक भाई मोहित शाव, यहाँ इस पंडाल के निर्माण में इनका एक अच्छा योगदान था और काफी अच्छा पंडाल के साथ साथ गणेश मूर्ति देखने को मिला। काकीनारा कचहरी रोड में बहुत सारा गली है, उसी गली में एक सीनरी के साथ बर्फ का पहाड़ जैसा पंडाल देखने को मिला। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा इसे देखकर। काकीनारा कचहरी रोड में बहुत सारा गणेश पूजा के उपलक्ष में पंडाल बनता है और हर साल श्रद्धा पूर्वक गणेश पूजा मनाया जाता है। अभी हम लोग कचहरी रोड में ही एक और गणेश पंडाल में आए हैं और यहाँ भी एक खूबसूरत गणेश पंडाल देखने को मिला।
मैक्सिमम जो पूजा है हम लोग का काकीनाड़ा का गणेश पूजा जो होता है मैक्सिमम सब आपका कचहरी रोड में ही है। ये पीछे देखिए है मेरे एक यहाँ पे भी पूजा हुआ है। चलिए अंदर दिखाते हैं। भगनी लोग का थोड़ा फोटो सेशन चल रहा है। आज भसान है, चारों तरफ जो पंडाल देख रहे हैं आप लोगों ने जो देखा सभी को खोल लिया जा रहा है। आज ही आज शाम तक पूरा भसान हो जाएगा। हम लोग काकीनाड़ा इलाके का जितने भी गणेश पूजा हुआ है सबका विसर्जन हो जाएगा आज ही। और उससे पहले हम लोग भगनी लोग को दिखा दिए, मैं भी थोड़ा देख लिया, भाई भी घूम रहा है। अब मैं कहाँ गया? पैंडल कुछ अच्छा वो पैंडल बना रहा है। जैसे कि आप लोग को मैंने बोला कि मैक्सिमम जितने भी पंडाल बने हैं सब कचहरी रोड में ही है। अभी हम लोग कचहरी रोड के सामने फिर एक नया एक पंडाल है आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं। कचहरी रोड में पूजा घूमते घूमते अब आ चुके हैं एक बहुत ही खूबसूरत पंडाल के सामने जो केदारनाथ दर्शन का अनुभूति दे रही थी। लाइटिंग नहीं होने के कारण इसका सुंदर प्रस्तुति थोड़ा मिस कर गए, लेकिन बहुत भी शानदार मंडप हम लोगों ने देखा यहाँ। अब हम लोग कचहरी रोड से पंडाल देखकर काकीनाड़ा 10 नंबर गली में आए हैं। यहाँ एक पुरानी शीतला मंदिर के साथ साथ गणेश पूजा भी हुआ है। अब हम लोग आ चुके हैं काकीनाड़ा 10 नंबर गली और यहाँ पे हमारे बहुत ही चहेते एक भैया रहते हैं। ये राम भैया, आप लोग देखे ही होंगे मेरे एक ब्लॉग में। नमस्कार भैया, इसी गली में रहते हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक पंडाल हुआ है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं आगे। ये है 10 नंबर गली का पूजा, सामने नंदी महाराज, बहुत ही खूबसूरत बना है। यहाँ पर थोड़ा मस्ती भी हो रहा है। अभी हम लोग आ चुके हैं 85 रूट के ऊपर और यहाँ पे एक पंडाल पीछे बना हुआ है और यहाँ से हम लोग जाएंगे 6 नंबर गली, वहाँ पे भी बहुत अच्छा पूजा होता है और वहाँ से देखने के बाद हम लोग अपने घर चले जाएंगे। और अगर आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो नए हैं मेरे चैनल के ऊपर मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 6 नंबर गली दिखाते हैं आप लोग को। गणेश पूजा में मुख्य आकर्षण जो है हम लोग का ये 6 नंबर गली जो है, यहाँ पे बहुत सारा एक बहुत बड़ा एक मार्ट है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा एक मेला भी लगता है। जितने भी दर्शनार्थी जो भी है आते हैं लास्ट में यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। पीछे देखिए मेरे एक
पंडाल बना हुआ है, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। इस स्थान का नाम है जवाहर उद्यान पार्क, गली नंबर 6। हर साल हजारों दर्शनार्थी आते हैं यहाँ। गणेश पूजा के साथ साथ मेला यहाँ का मुख्य आकर्षण है। गणेश पूजा के अंतिम दिन में सुरजीत प्रसाद ब्लॉक की ओर से शुभकामनाएं। अब हम लोगों का अंतिम पूजा मंडप भटपारा लाइन रिलायंस जूट मिल के सामने आ चुके हैं। पूजा घूम के आ चुके हैं और भगनी लोग को घर उतार दिए हैं और मैं थोड़ा बाजार गया था। बाजार से ऐसे जो वाला संडे है, थोड़ा चिकन लिए और थोड़ा सा आलू लिए, लेकर घर आ चुके हैं। मम्मी अभी खाना बनाएगी। तो चलिए, आज का जो मेरा ब्लॉग है फिलहाल मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर नए हैं चैनल पे थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन बाय, लव यू ऑल।